डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाउन, ठीक है। एंड टुडे दिस इज योर ग्रामेटिकल सेशन। दैट मीन्स मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि ग्रामेटिकल सेशन जब आएगा तो मैं नाउन के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है, डीपली डिस्कस करूंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन को, ठीक है। पहले कुछ देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, ओके। नाउन हम लोग पढ़ेंगे। तो नाउन आप पहले ही मैंने बोला था पिछले लेक्चर में कि नेमिंग बर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ठीक है। दैट मींस आप किसी भी चीज का नाम लो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका नाउन कहलाएगा, ओके। जैसे यहाँ देखो कुछ पिक्चर्स है, पिक्चर्स के जरिए मैं समझाता हूँ पहले, उसके बाद फिर और भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो पीकॉक, ठीक, माउस, ये क्या है, हाउस, ठीक है, मैन, तो ये सब जितना भी है आपका क्या है, नाउन है, ओके। That means आप इसका नाम ले रहे हो। That means आप कोई भी चीज सोचते हो, तो जैसे मैं बोलूंगा एप्पल, तो तुरंत आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गया कि हाँ एप्पल, अच्छा ऐसा होता है, ठीक। उसी तरह से मैं अगर यहाँ बोलूँ पीकॉक, तो तुरंत आपके दिमाग में पिक्चर क्या बनता है, अच्छा मोर, माउस, हाउस, ठीक है, मैन, तो एक पिक्चर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो इसका डेफिनेशन देखो यहाँ क्या है, नेमिंग बर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स, ठीक है, नेमिंग बर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स, मतलब नाम प्रधान, जिसका नाम कुछ हो, ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम है, तो वो सब क्या है, आपका नाउन है। इवन आप जो अभी मोबाइल हाथ में लिए हुए हो, ये भी तो एक नाम ही है ना, आप ऐसे कैसे जानेंगे कि हाँ इसको मोबाइल नहीं कहते हैं, तो आपका मोबाइल भी क्या है, नाउन है, ठीक है। जो आप पेपर पेंसिल अभी लेके बैठे हो पढ़ने के लिए, वो भी क्या है, आपका नाउन है। जो ये स्क्रीन देख रहे हो, ये भी क्या है, नाउन है, ठीक। मैं क्या हूँ अभी आपके सामने खड़ा, नाउन हूँ, तुम भी क्या हो, नाउन है, क्योंकि तुम्हारा कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है। तो किसी भी चीज का नाम रहे, वो क्या है, तुम्हारा नाउन है, समझ गए। याद देखो, ऑल पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड थिंग्स हैव नेम्स, दे आर नाउन्स। दुनिया में कोई भी चीज हो, पर्सन हो, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति हो, जैसे मैं, मेरा तो कुछ नाम है कि नहीं, प्लेस हो, कोई जगह का नाम हो, ठीक है, कोई एनिमल का नाम हो, कोई बर्ड्स का नाम हो, कोई इंसेक्ट हो, कोई थिंग्स हो, कोई वस्तु हो, ठीक है, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ नाम होता ही है ना, तो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। जैसे यहाँ देखो, आप पिक्चर्स के द्वारा मैं समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ देखो, द बेबी इज क्राइंग, ठीक, तो यहाँ बेबी जो है ये पर्सन है कि नहीं, है ना पर्सन, तो ये क्या हुआ, बेबी, नाउन हुआ। यहाँ देखो, द गर्ल इज रीडिंग, ये जो गर्ल है, लड़की है, तो नाम है कहीं ना कहीं, ऐसे हमको कैसे पता चला कि हाँ यही गर्ल, इसी को हम लोग गर्ल क्यों नहीं बोलते हैं, ये टीवी को गर्ल कहीं बोलते हैं, तो ये क्या हुआ, नाउन हो गया। अब देखो, द वर्ड्स बेबी एंड गर्ल आर नेम ऑफ पर्सन, दे आर नाउन, ये पर्सन है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, द वर्ड्स पार्क, हाउस आर नेम ऑफ प्लेसेस। अब देखो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, दिस इज ए पार्क, पार्क क्या है, एक प्लेस है जहाँ लोग जाकर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक ना, झूला झूलते हैं, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, हाउस है, घर, तो घर भी आपका प्लेस ही है जहाँ आप स्टे करते हो, है कि नहीं, तो ये क्या हुआ, आपका नाउन हो गया। दैट मींस प्लेस का नाम हो तो वो भी क्या हो गया, नाउन हो गया। अब देखो नेक्स्ट पेज में क्या, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो हाँ, द चीता रन्स फास्ट, देखो यहाँ चीता है, तो ये चीता है, इसी का नाम चीता क्यों है, जब किसी का नाम पड़ा तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो चीता क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि ये एनिमल का नाम हुआ। यहाँ देखो पीकॉक, पीकॉक किसी एनिमल का नाम है, देखो द बर्ड्स, चीता एंड पीकॉक आर नेम्स ऑफ एनिमल्स, दे आर नाउन्स। अभी मैंने क्या बोला, किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग का नाम रहेगा, क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। आगे देखो, बाइसिकल है, जैसे यहाँ देखो किसी भी थिंग का नाम है, तो आपके आपके पास भी होगा बाइसिकल, तो वो क्या है, आपका थिंग है ना, तो क्या हो गया, नाउन हो गया। अब देखो यहाँ क्या है, हैट, टोपी है, ठीक है, तो भी क्या हो गया, नाउन हो गया। अब आगे देखो, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, कैसे क्लासिफाइड किया गया है, पर्सन को, एनिमल्स को और प्लेस को, तो और थिंग को, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, उसके बाद और समझने में थोड़ा सा अच्छा होगा। जैसे यहाँ देखो, पर्सन, द आर्टिस्ट, ब्रदर, क्लर्क, वोमैन, अंकल, फ्रेंड, फार्मर, बार्बर, बार्बर मतलब क्या होता है, नाई, कोबलर, डॉक्टर, टीचर। तो यहाँ देखो पर्सन, कोई भी व्यक्ति होगा ना, कोई आदमी होगा, टीचर कौन होगा, कोई आदमी होगा, है कि नहीं, कोई नॉन लिविंग थिंग्स तो होगा नहीं, है कि नहीं। अब देखो क्लर्क, क्लर्क तो कोई पर्सन ही होगा, ठीक, कोई व्यक्ति ही ना होगा, तो ये सब क्या हो गया, सब पर्सन्स का हो गया। अब एनिमल में देखो, बियर है, हाइना है, क्रो है,
ट्रेन है, ऑल है, हॉर्स है, तो ये सब क्या हो गया, एनिमल्स हो गया। ठीक, प्लेसेस हैं, यहाँ देखो थिंग्स है। ठीक, प्लेसेस में गार्डन, टेम्पल, जहां आप स्टे करते हो, जाते हो घूमने के लिए, टहलने के लिए, ठीक है, तो सब क्या हो गया, प्लेसेस हो गया। अब थिंग्स में देख लो, बनाना है, बोतल है, बैग है, चेरी है, डॉल है, फ्रॉक है, ये सब क्या हो गया, थिंग्स हो गया। दैट मीन्स अगर आप कहो तो ये सब क्या है, वस्तु है। तो आपको करना क्या है ना, ये सब जो अभी आपको मिल रहा है, ये सब आप लोग एक नोटबुक में कॉपी कर लो, ठीक है, तो आपको ज्यादा बेटर होगा। तो आइए चलते हैं अब आगे क्या है। देखो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। हाँ देखो, प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, नेम दिस पर्सन, तो इन पर्सन का क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो यहाँ देखो क्या होना चाहिए, तुम बोल रहे हो सर ये तो डॉक्टर है, तो बिल्कुल सही। यहाँ क्या होगा, डॉक्टर होगा, यहाँ क्या होगा, फार्मर होगा, यहाँ क्या होगा, नर्स, यहाँ क्या होगा, आप पुलिस होगा। तो ये सब आप खुद से बनाओगे, ठीक ना। तो अब आप कहोगे सर कि पिक्चर है कैसे बनाना, कैसे है, तो कुछ नहीं करना, दैट मीन्स आपको ये पिक्चर मिलेगा पीडीएफ में ही मिलेगा, ठीक है। तो पीडीएफ में क्या करोगे ना, पीडीएफ में आप इसको एक एक नंबर देके डैश देके लिखोगे, अच्छा डॉक्टर, दो नंबर देके देख लोगे फार्मर, तीन नंबर देके लिखोगे नर्स लिखोगे, चार नंबर देके लिखोगे पुलिस, ठीक है। तो हम लोग समझ जाएंगे, ये वाला दे देना, ये ऐसे करना, ये लिख करके 1-2-3, ठीक, इस तरह से आप लोग बनाओगे, क्योंकि फिगर तो आप कॉपी नहीं कर सकते हो, कॉपी पे इसको तो नहीं बना सकते हो ना कॉपी पे। तो आप लोग क्या करोगे, ये लिखोगे 1-2-3-4 तक आंसर दोगे, बाकी हम लोग समझ जाएंगे। आपको फेयर में भी ऐसे ही करना होगा, सेम कहानी इसमें भी है, प्लेसेस का नाम है। तो प्लेसेस देखो ये क्या लग रहा है तुमको, देखो ये असली लगा हुआ है, नहीं ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, क्लासरूम लिखोगे, ठीक है। तो ये आप खुद से भी बनाओगे, सारा मैं ही बता दूंगा, तो फिर आप लोग क्या बनाओगे, तो इसमें भी ऐसे ही करोगे, बी दे के लिखोगे 1-2-3 दे के लिखोगे सबका नाम, बाकी हम लोग समझ जाएंगे। और सी में वही काम करना, डी में भी सेम है, इसमें एनिमल्स का नाम है, इसमें वेजिटेबल्स का नाम है, यहाँ ग्रेप्स है, और देखो ई में देखो क्या है, नेम्स ऑफ थिंग्स, थिंग्स का नाम लिखना है, तो ये देखो फ्रीज है, ठीक, तो ये सब ई दे करके डैश दे करके 1-2-3-4 डैश दे के नाम लिखो। और है क्या, हाँ एक पेज और है, इसमें देखो क्या करना है, फिर इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल नाउन्स गिवन इन द बॉक्स अलोंग साइड, देखो क्या कर रहा है, ये फिगर आपका है, ठीक ना, तो फिगर से आपको हेल्प लेकर के इसमें भरना है। और देखो यहाँ भी आपको क्लू दिया है कुछ, तो इससे भी पुट करना है, ठीक है। यहाँ देखो मैं एक बताता हूँ, द मंकी इज जंपिंग ऑन द ट्री, ठीक, देखो ये मंकी है, मंकी आ गया ना, मंकी यहाँ लिखोगे, और ऑन द ट्री, अब देखो इधर ट्री है क्या, ट्री है, ट्री है, ट्री, अच्छा नहीं, तो इससे हेल्प लोगे बुक से, ठीक है। और यहाँ देखो द मंकी इज जंपिंग ऑन द ट्री, तो क्या कर रहा है, सुटेबल नाउन गिवन इन द बॉक्स अलोंग साइड, इस बॉक्स से लेकर के इसमें पुट करना है, और पिक्चर को भी देख करके सेटिस्फाई करना है। दैट मींस यहां देखो ए एंड ए आर इन द ब्लैंक, ठीक, तो देखो यहां देखो पिक्चर में देखो, जैसे यहां देखो ए, देखो यहां ए मैन होगा, और क्या होगा, ए वुमन, देखो यहां देखो मैन है और वुमन है, मैन है और वुमन है, तो ए मैन एंड ए वुमन आर इन द कार, यहां कार लिखो, ठीक। उसी तरह से फर्स्ट भी था, सेकंड फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में मैंने क्या बताया, मंकी है, तो अच्छा ये ट्री, मैं इधर ट्री ढूंढ रहा था, अच्छा यहाँ देखो ब्रांच है, तो आप ब्रांच पुट कर दोगे, यहाँ ब्रांच पुट कर दोगे, मैं इधर ढूंढ रहा था ट्री, तो ट्री तो है नहीं, यहाँ ब्रांच लिखोगे तो मंकी जंपिंग ऑन द ब्रांच, ठीक। तो दो मैंने बताया, बाकी आप खुद से बनाओगे, ठीक है। और भी है क्या, अब नहीं है, ठीक है, ये लास्ट पेज था। तो इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, तो आप बनाओगे और इसका आंसर भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।